प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज तो टप्पू के पापा मस्त खाना खाकर खुश हो जाएंगे। ओ मेरी दया रानी। आओ ना शर्माओ ना, शर्माओ ना, आओ ना घबराओ ना। ओ मेरी दया रानी। ओ मेरे अप्पू राजा। अप्पू राजा का क्या मतलब? मैंने आपका नया नाम रखा है। वो क्या है, हमारे पोल में एक छोटा सा हाथी आया था ना, तो बस बस दया, बस समझ गया। देख मेरा मस्त मूड है, मेरा मस्त मूड की पथारी मत फिरा। बहुत जोर की भूख लगी है और जब से तूने मेनू बताया है तब से तो सेकंड दर सेकंड भूख बढ़ती जा रही है। हाँ तो खाने तैयारी है, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और जल्दी से आ जाइए। मैं यूं गया यूं आया। तारारा तारारा तारारा। अरे ये ट्यूबलाइट को क्या हो गया? अरे ये क्या खेल रही है दया, ये का खेलने का टाइम है? अरे मैं खेल नहीं रही हूँ, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई है। हाँ तो ऐसे स्विच चालू बंद करके तो बिगड़ ही जाएगी ना। अरे ये मेरी वजह से नहीं बिगड़ी है, आप जैसे ही रूम में गए ना तब अचानक ये ट्यूबलाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगी। इसलिए इसे चेक करने के लिए मैंने स्विच पहले बंद की फिर चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। मैंने फिर से स्विच बंद की और फिर से चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। अब स्विच बंद कर रही हूँ तो ये बंद हो जाती है, लेकिन चालू करती हूँ तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। दया अभी तू जो चालू हो गई है जरा बंद हो जा और ट्यूबलाइट को छोड़। अभी एक काम कर, बहुत भूख लगी है, खाना दे भाई। देखिए ये डिस्को लाइट में आपको खाना खाने का मजा नहीं आएगा। अब्दुल भाई को बुलाइए ना, वो फटाफट लाइट ठीक कर देंगे। अरे अभी कहाँ अब्दुल को बुलाने जाऊँ मैं। एक काम करता हूँ, ये डिस्को लाइट में खाना नहीं खाता हूँ, अंदर बेडरूम में दे दे, अंदर बेडरूम में खाना खाता हूँ। ये भूखे इंसान, कितने दिन से भूखा है तू? दो मिनट भूख बर्दाश्त करके ये ट्यूबलाइट ठीक नहीं कर सकता? और बेडरूम में लेटे लेटे कोई खाना खाता? बहू तू स्टूल लेकर आ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं बापू जी, मैं बुला कर लाता हूँ अब्दुल को। अरे यार इसमें अब्दुल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे जरा से ये ट्यूबलाइट घुमाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहू तू जा स्टूल लेकर। बापू जी आप बैठिए, वो ट्यूबलाइट को मैं घुमाता हूँ। बैठिए आप बैठिए। दया जा स्टूल लेके आ जा। जोरदार भूख लगी है तभी ट्यूबलाइट को बिगड़ना था। क्या क्या अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? कौन तू? मैं तो कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। रख इधर लीजिए। क्या टुपू के पापा, ट्यूबलाइट मैं ठीक कर दूंगी, अब हाथ मुंह धो लीजिए। बापूजी मुझे धो डालेंगे। ए भाई किसकी राह देख रहा है, चल। नहीं ये दे नहीं रहे, देना भाई क्या कर रही है, ला इधर। हाश
हाथ नहीं पहुंच रहे, अब्दुल को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ तेरी बात सही है जेठा, अब्दुल की ऊंचाई तेरे से ज्यादा है ना, उसका हाथ पहुंच जाएगा। बुला अब्दुल को बुला। तो सोठी चलेगा? मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी, क्या है? एक काम कर, गोकी को बुला, गोकी को बुला, चोरी को बुलाना है, अब्दुल को बुलाना है, खुद को कोई काम करना ही नहीं है। उतर नीचे, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतर। नहीं नहीं बाबूजी, मैं करता हूँ। दे तू एक काम कर, तू यह स्टूल के ऊपर घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है। क्या बोल रहे गजे? ए तू क्या बुलवा रही है दया मुझसे? मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा वाला स्टूल लेके आ तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा ट्यूबलाइट तक। है खा खा के वजन बढ़ाया लेकिन कसरत करके ऊंचाई नहीं बढ़ाई। अरे बचपन में तुझे बोल बोल के थक गया कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन खा खा खा। लेकिन मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही खाना ऊंचाई पे रखना चाहिए था, कम से कम खाना लेने के चक्कर में तेरी ऊंचाई तो बढ़ जाती। बापू जी, ये भगवान, अरे आप शांति रखिए, अरे खड़े हो जाइए, लगा तो नहीं आपको बापू जी? अरे ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई उसमें आप तो बात को कहां से कहां लेके गए बापू जी? आप शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चुप रे, अक्कल वगैरह से डांट दो। घर में बड़ा टेबल तो है ही नहीं, मैं एक काम करती हूँ, स्टूल के ऊपर मैं डिब्बा रख देती हूँ, आप उसके ऊपर चढ़ जाए, आपका हाथ पहुँच जाएगा। तो पागल हो गई है, और टेबल के ऊपर यार रख के मैं, अरे क्या तू ले ले, ला मैं जाता हूँ। अरे बापू जी ले ले, मैं चलता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ। ये रिंग मास्टर जैसे बापू जी की वजह से क्या क्या सर्कस करना पड़ रहा है। अरे चल, हाँ जरा हाथ देना। इसे नहीं भाई, पोचा हाथ पोचा। अरे मेरा तो हाथ छोड़िए। सॉरी टपू के पापा, ट्यूबलाइट निकली गई है तो जरा साफ कर देंगे। हाँ जरूर बापूजी, वो जरा देंगे। इससे नहीं 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 बापूजी, ये नहीं, वो नीचे वो जो कपड़ा पड़ा है ना। संभाल के कर। सॉरी सॉरी बाबू, सॉरी। सॉरी सॉरी दया, वो थोड़ी उस तरफ खड़ी रहो ना, तू भी नीचे ये खस्ती नहीं है। सॉरी सॉरी। ओह हो गई, बस अब रख दीजिए बाबू जी। तो चालू ही नहीं हो रही है। टप्पू के पापा, मैंने स्विच बंद कर दी है। अरे स्विच क्यों बंद की तो ना दया? आपको शौक ना लगी इसलिए। अब अभी चालू कर दे।
हो गई। अरे बाबूजी ये बिगड़ गई है, दूसरी नहीं डालनी पड़ेगी। नहीं नहीं तो एक काम कर, वो स्टार्टर है ना, उसको थोड़ा घुमा घुमा के देख चालू होती है कि नहीं। हो गई। देख हो गई ना। हो गई बापूजी हो गई। इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाना है ना, सोड़ी को बुलाना है। सॉरी सॉरी बापूजी। चल चल नीचे आ जा, संभाल के। चलो अभी हाथ मुंह धो के खाना खा लो। आज तो आपने बहुत मेहनत की है, अब तो खाना खाने का और मच जाएगा। मैं अब भी खाना परोसती हूँ। टप्पू कहाँ है, उसने खाना खा लिया? हाँ, अरे वो तो कब का खाना खा के क्लब हाउस खेलने चला गया। अच्छा अच्छा, तो जल्दी खाना परोस भाई। ये ट्यूबलाइट कोच पता नहीं क्या हो गया। अय्यर को फोन करके कहती हूँ अपने साथ किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आए। ओह गॉड, फोन क्यों अनरीचेबल है? आहा, मजा आ गया आज तो खाने का, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। बापूजी कहाँ हैं? बापूजी टप्पू के साथ गाड़ी की रेस लगा रहे हैं। अरे कंप्यूटर पर। बापूजी भी कमाल है, मेरे सामने बापूजी बनकर मुझे डांटते हैं और टप्पू के साथ बच्चा बनकर बच्चा की तरह खेलते हैं। दादा और पोते का रिश्ता ही दोस्ती का रिश्ता होता है। अब आप भी टप्पू के साथ पापा बनकर ही रहते हो ना? देखना जब टप्पू के बच्चे होंगे ना, तब आप भी उनके दोस्त बनकर रहोगे। फिर आपकी पीठ पर बैठकर हमारे पोते हाथी हाथी खेलेंगे। सॉरी सॉरी, घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। लुच्ची हाथी हाथी छोड़िए ना। क्या 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 बोल रहे हैं? हाथी हाथी छोड़िए ना, अपना बोलेगी हाथी हाथी बोलेगी। छोड़िए प्लीज छोड़िए। क्या कर रही है? छोड़िए। अरे तू छोड़। नहीं पहले आप छोड़िए। अरे छोड़। छोड़। नहीं पहले आप छोड़िए। अच्छा अच्छा, दोनों साथ में छोड़ते हैं। एक मित्र। अरे छोड़। चार पाँच छह सात आठ नौ दस, दस पे छोड़ने को था। आता हूँ सोडा पी के। मुझे हो गया। आज तो दो सोडा पीनी ही पड़ेगी। देखना मैं ही जीतूंगी। अच्छा कैसे हम आदमी बाबे? अरे अरे क्या जेठा भाई, सॉरी सॉरी। ओ अच्छा खेल रहे थे, मैंने हलो बोला तो मिस कर गए। थैंक यू जेठा भाई। रसन भाभी बोल रहे थैंक यू। देखो चल चलो चलो मैं जीत गई। अब देखना ये अजीत सिंह 30 तारीख के पहले चेक नहीं देगा। नहीं हर बार का है भाई ये। कैसे हो अंकल? अंकल जेठालाल, अंकल किसको बोला? तुम दोनों में से किसी एक को। अच्छा मतलब पोपटलाल को? नहीं नहीं, क्या पोपटलाल को? क्या पोपटलाल को भाई, अंकल तुम दिखते हो, तुम पुराने जमाने के हो। पोपटलाल यहाँ पर किसी को भी पूछो कि कौन अंकल दिखता है, सब लोग यही बोलेंगे कि पोपटलाल अंकल दिखता है। खबरदार भीड़, अगर मुझे अंकल बोला तो। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई तो। अरे भाई अपने सर पे देखो, अंकल तुम हो तुम। पोपटलाल खबरदार, जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो मैं तुम्हारा ये छाता तोड़ दूंगा। अगर तू मेरा छाता तोड़ेगा तो तुम्हारे ये जो बच्चे कुछ बाल है ना, वो भी काट दूंगा मैं। पोपटलाल तुम हद से। ओ पोपटलाल जी देखो यहाँ पे,
हम दोनों को बेवकूफ बना के जेठालाल शकुनी की तरह हंस रहा है। भाई जेठालाल जरा शर्म करो, दो सज्जन पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा करवा रहे हो। वही वही शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए, दो सज्जन पढ़े लिखे होने के बावजूद गवारों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। नहीं वैसे पोपटलाल तुम तो झगड़ा नहीं करना चाहते थे, भिड़े ने चालू कर दिया। हाँ शुरुआत भिड़े ने की। शुरुआत मैंने नहीं, शुरुआत तुमने। क्या जेठालाल सास बहू की सीरियल देख के आ रहे हो? हमें झगड़ा क्यों लगवा रहे हो? ऐसे टाइम पास। मेहता साहब भैया सोडी आती भाई सब लोग सोडा पीने के लिए आए, तब तक थोड़ा मनोरंजन। अब भाई भिड़े आगे से होशियार रहना, इस तरह से बेवकूफ मत बन जाना। और तो रोशन मेरी जान माय डार्लिंग, और करके चाबी तेरे पास है? हाँ मरी। ओ गोगी सो गया है, मैं अभी तल्ले आता हूँ। अच्छा अच्छा आजा। ओए जेठा ब्रा, ओए पप्पू पिडू, और दो मिनट वहीं रुको मैं भी आता हूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं अब्दुल की दुकान पे सड्डा पीने। आजा आजा भाई तेरी राह देख रहे। आ रहा हूँ जी आ रहा हूँ। एक काम करती हूँ, अब्दुल भाई को फोन करती हूँ, वही आके ये ठीक कर देंगे। इनका भी फोन अनरीचेबल। कांट टेक दिस एनीमोर। गोली गोली। ए गोया ए भैरिया ए भाई ध्यान की तरह तेरे बबीता जी बोला रहे। सॉरी सॉरी। चलो चलो जल्दी बोला रहे बबीता जी। गोली जरा अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज। हाँ। क्यों बबीता जी क्या हुआ? जीठा जी वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया, तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं ठीक कर देता हूँ। आप तुम्हें ट्यूबलाइट रिपेयर करनी आती है? हाँ। अभी मैं आया ना घर से तो हमारे घर की ट्यूबलाइट भी बिगड़ गई थी, तो मैंने दो मिनट में ठीक कर दी। तो जेठा अंकल आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना। ये बच्चे बच्चे हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बराबर, चलो चलो हम भी चलते हैं। अरे भाई सबको आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है, दो मिनट में हो जाएगा, तुम लोग इधर ही रुको, फिर हमें सोडा शॉप जाना है ना सोडा पीने, मजा आएगा। बबीता जी आता हूँ। ओके मैं भी आता हूँ। किधर बेटा? बबीता आंटी के घर पे। क्यों तुमको भी आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना? तो फिर आपकी मदद करूंगा ना। किस तरह मदद करेंगे आप? आप स्टूल पे चढ़ोगे ना तो मैं स्टूल पकड़ूंगा। अब्बास गोड़े। तो क्या आओ कि नहीं? चलो बेटा चलो। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, रहने दे फिर। नहीं नहीं आपका हाथ शायद गलती से लग गया। ओ सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, चल चल चल। मान लीजिए आपको करोड़ों की लॉटरी लग जाए और आप उसका इनाम लेने जा रहे हो तो कितनी खुशी होगी आपको? आपके घर आपका चहेता सुपरस्टार अचानक आ जाए तो कितनी खुशी होगी? उससे कहीं ज्यादा खुशी इस वक्त मेरे मित्र जेठालाल महसूस कर रहे हैं जब उन्हें बबीता जी के घर ट्यूबलाइट रिपेयर करने जाना है। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे मित्र और खुशी, इन दोनों का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे चुनावी वायदे और चुनाव का रिश्ता, चुनाव गायब के वायदे भी खत्म। बस ऐसा ही कुछ रिश्ता है खुशी का और उनका। खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है, जैसे फटी जेब में से सिक्के गिर ही जाते हैं वैसे जीवन से खुशियां उनके जल्दी ही समाप्त हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या वो ट्यूबलाइट ठीक कर पाते हैं जिसकी वो बड़ी डींगे मार रहे थे, या फिर कुछ और होता है। भाई बबीता जी की ट्यूबलाइट जेठालाल रिपेयर करके जला पाए या ना जला पाए, लेकिन आपके घरों में हंसी की ट्यूबलाइट जलती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.